Hello students, welcome back to the session, and today we are here with doing carbon and its compound का module number 4. So yes, आज हम लोग almost, let's say आज हम 75% of the chapter करने वाले हैं खत्म, और आज का session एक बहुत important session है. Okay, so before starting, as you know the drill, make sure to hit the like button, share with the friends and subscribe करो channel को जल्दी जल्दी. So as you guys know, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ लिया. वी हैड स्टडीड अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स. फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिसमें हेट्रो एटम्स होते हैं, एल्डिहाइड्स, एस्टर, फिर कीटोन, एल्कोहल, है ना, ये सारे. फिर होमोलोगस सीरीज पढ़ी. आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. इन शॉर्ट, हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं. बिकॉज इफ यू हैव नोटिस्ड, पिछले तीन चैप्टर्स में हर दूसरे पेज पे रिएक्शन आते थे, बट अभी तक केमिस्ट्री चल रहा है, अभी तक हमने रिएक्शन ही नहीं पढ़ा एक भी. जस्ट लुक थ्रू, इन सारों में एक भी रिएक्शन आपने पढ़े कभी? नो, यू हैवंट. सो आज के सेशन में हम उस कमी को पूरा करके रिएक्शंस पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. तो अभी तक हमने देखा कि प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल दोनों थे. फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत है कार्बन की, वो बहुत अलग अलग बॉन्ड्स बनाता है, ये करता है, वो करता है, वी नो द थिंग्स, राइट. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ दिस, आज के सेशन में इफ यू हैव नोटिस, इफ यू विल नोटिस कि मैंने स्लाइड्स में ना, आई हैवंट रिटन एनी टेक्स्ट और इमेजेस. व्हाई? बिकॉज ये आपका कोई थ्योरी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिर्फ रिएक्शन है. सो आई एम गोइंग टू हैंड राइट इट ऑन द स्क्रीन एंड आई विल शो यू. सो जस्ट हेडिंग हो गया और बाकी सब वी आर गोना डू इट, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. सो बेसिकली आपको चार तरीके के रिएक्शन, देयर आर फोर टाइप्स. यू रिमेंबर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दैट पहले चैप्टर में. इसमें सिमिलरली वी हैव फोर रिएक्शंस जो आपको याद करने. सो द वेरी फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है. सबसे पहले आई विल नॉट टेल यू चलो चलो अभी रिएक्शन के, नो 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 नो. सबसे पहले यू हैव टू टेल व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन इस वर्ड का क्या मतलब होता है? करेक्ट, दैट्स व्हाट ऑक्सीडेशन मतलब. इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे तो ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को निकाल दे रहे हैं हम सब्सटेंस में से तो वो भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स भी लूज होते हैं उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. सो इन अ रिएक्शन इफ एनी ऑफ दीज थ्री टेक्स प्लेस, मतलब कि ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ओके. सो आपको क्या देखना है, कोई भी रिएक्शन में जब आपको ऐसा दिखे, इवन इट अप्लाइज फॉर द फर्स्ट चैप्टर, आई गेस आई हैव टॉट यू और नॉट, बट पहले चैप्टर में भी हमने सीखा था कि ऑक्सीडेशन होता है इन तीन तरीके से, ठीक है. अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन जा रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है, देन ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पक्का है ना. तो ये हमने पढ़ लिया. सो अब बात आती है कि हमको अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा. अब देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब हम लोग कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, करेक्ट. इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. O2 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये बन जाता है एज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. फॉर नाउ आपको दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने हैं, ओके. फर्स्ट वन इज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड यू नो ना, जिसमें एसिड का कंटेंट हो, K2Cr2O7. ये 7 नीचे होना चाहिए बट यू नो, ठीक है. एसिडिफाइड K2Cr2O7, दैट इज नोन एज ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है. इफ यू वॉन्ट राइट हियर, दिस इज योर
पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें, पोटाशियम है, सी आर मतलब क्रोमियम, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड आता है अगेन एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर, दैट इज पोटाशियम अगेन, पोटाशियम पर मैंगनेट, पर मैंगनेट दैट इज अ सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सबसे पहला के टू सी आर टू ओ सेवन पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एसिडिफाइड के एम एन ओ फोर दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट होते हैं दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं इन आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बट अब ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज करना था, बट ये करेगा किसको? सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अल्कोहल। अगर हम एक अल्कोहल ले, ओके, अल्कोहल याद है ना, है ना, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, सो अल्कोहल ले, और अगर इस अल्कोहल में हम लोग के एम एन ओ फोर या के टू सी आर टू ओ सेवन, इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, कोई भी वन, एनी वन ऑफ दीज, जो दोनों नहीं, कोई भी एक ले, तो अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट। फॉर एग्जांपल इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनॉल कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ के एम एन ओ फोर एंड के टू सी आर टू ओ सेवन, कोई भी एक यूज कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक इथेनॉल। सो इथेनॉल यू नो क्या होता है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, है ना। अगर हम लेटर से इसमें डालते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, तो ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दैट इज इथेनोइक एसिड, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। Do you remember something? याद आ रहा है? You had studied CH3COOH in acid basic salts as well, है ना? That is the weak acid, है ना? But I said you कि इसका नाम है ethanoic acid. ये है ethanoic acid. Yes, ethanoic acid also आपका प्यारा सा acetic acid, both are the same things. कहाँ पे पाया जाता है? Vinegar में. करेक्ट। सो आपका अल्कोहल, एक अल्कोहल होता है इथेनॉल, इथेनॉल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सिर्फ OH है, इसमें COOH है, ठीक है। सो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड के बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनोइक एसिड। तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेयर डू वी यूज इट, अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करने में। कौन से एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स आर पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई भी एक आप लिख दोगे फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब आता है दूसरा, नेक्स्ट वन इज कंबशन रिएक्शन। कंबशन आपको पता है क्या होता है, कंबशन इज नथिंग बट जलना, करेक्ट, दैट इज अ कंबशन, करेक्ट। सो कंबशन में क्या होता है ना, कभी भी कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा सेम प्रोडक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल मीथेन का कंबशन करवाएंगे, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है, ये मिलते हैं। लेट अस टेक इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल को लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इथेनॉल को लेते हैं, इथेनॉल में अगर ऑक्सीजन डालते हैं तो भी यू विल गेट सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस हीट एंड लाइट।
सो नो मैटर आप कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लो, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड आप लोगे, आपको हमेशा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट ही मिलेगा। CH4 ले लो, कोई भी इथेन ले लो, इथीन ले लो, इथाइन ले लो, प्रोपेन ले लो, प्रोपीन प्रोपाइन कुछ भी ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एसिड ले लो, सबका सेम रिजल्ट आएगा। CH3COOH प्लस O2, इसका कंबशन भी आपको CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट ही प्रोड्यूस करेगा। सो मतलब आपको क्या याद रखना है, बस इसको चेंज करना है, इनको बस चेंज कर दो, बाकी सब सेम है। ऑक्सीजन तो रह गई कंबशन के लिए, और प्रोडक्ट RHS साइड तो हमेशा सेम रहेगा, CO2 H2O हीट एंड लाइट विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। सो फ्लेम, आप देर आर मैनी सब्सटेंसेस जो आप फ्लेम, अगर आप उनको जलाते हो तो उनके फ्लेम में अलग अलग कलर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हीट और लाइट हमेशा अलग अलग क्वांटिटीज में आपके इसमें जलते है ना, जैसे सल्फर हो गया, कोल पेट्रोल में जलते हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर सेम थिंग ओनली, ये आपके इसका ही पार्ट है, ठीक है। सो ये होता है कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ रहे थे, आपके स्कूल में क्या होता होगा, स्कूल में कभी कभी आपकी टीचर एब्सेंट है तो आपका कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता होगा, हु इज द सेकेंडरी टीचर, है ना। तो इसमें एक जन को हम सब्स्टिट्यूट करें, डिस्प्लेस नहीं, सब्स्टिट्यूट करें, उसको पूरी तरीके से निकाल रहे पिक्चर में से, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो कोई कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, जिसमें इनर्ट गैसेस का होता है, ठीक है, बट सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन हम ऐड करते हैं टू हाइड्रोकार्बन्स, और ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ताकि हम इनको क्या कर सके, सो दैट वी कैन मेक इट फर्दर, दैट व्हाट डू वी से, ताकि हम इसको फटाफट रिएक्शन को ख़त्म कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं इथेन से, इथेन इनर्ट है, पर अगर हम इसमें क्लोरीन डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये देखो दिस सिंबल, दिस इज नथिंग बट सनलाइट, ठीक है, इसको याद रखना, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम मीथेन और क्लोरीन को मिलाते हैं तो ये हमको देते हैं CH3Cl प्लस HCl, हमको ये मिलता है CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। अब हम इसको वापस क्लोरीन से करवाते हैं, अगेन वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद क्लोरीन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये इस टाइम क्या देगा, इस टाइम वापस डिस्प्लेस करो, जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो जाते हम करते रहेंगे, सो CH3 तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl, ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट, अब क्या करो, अभी तक हाइड्रोजन निकला नहीं, हमको पूरी तरीके से हाइड्रोजन को बाहर फेंक देना है, सो वापस हम लेंगे CH2Cl2 प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अभी क्या देगा हमको ये, दिस टाइम इट विल गिव अस, अभी एक एच रह गया, CH Cl3, देखो Cl1 था यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, दैट विद कीप्स ऑन गोइंग प्लस HCl। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, ओके आई टेल यू अहेड, ओके, अब लास्ट, अब पूरी तरीके से हम निकाल देंगे, अब लास्ट स्टेप है CH3Cl3 प्लस क्लोरीन लास्ट बार, अब इस पे सब्स्टिट्यूट होके बन जाएगा CCl4 प्लस HCl, ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो यू सी, हमने मीथेन CH4 से CCl4 बना दिया, दैट इज योर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हम क्या करें, इन शॉर्ट क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते जा रहे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का एक फेमस क्वेश्चन है, दैट इज दूसरे स्टेप पे CH2Cl2 प्लस Cl2, है ना, इससे हमको मिलता है CH Cl3, है ना, यू नो दैट, अभी हमने जस्ट किया। नाउ व्हाट इज दिस CHCl3 इज कार, दिस इज योर नथिंग बट क्लोरोफॉर्म। डू यू रिमेम्बर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपने शोज में देखा होगा,
है ना, जो गुंडे आते हैं वो नाक में कुछ सुंगा देते हैं और फिर इंसान बेहोश हो जाता है, राइट? दैट इज नथिंग बट क्लोरोफॉर्म. सो क्लोरोफॉर्म इज CHCl3. अगेन उसमें इथेनॉल का कंटेंट होता है बिकॉज ऑफ विच इंसान फेंट हो जाता है ना, बेहोश हो जाता है इसको सुंगाने से, है ना. सो CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म. तब एग्जाम में क्या पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में वो लोग पूछेंगे कि टेल द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्लोरोफॉर्म. तब क्या करोगे, CH4Cl से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे जाके ख़त्म करोगे, ठीक है. हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है. ऑल राइट, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर डेफिनेशन चाहिए तो यू कैन राइट दिस एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच, नोट्स बनाते रहना, इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो हम हाइड्रोजन एटम्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं. गलती से मिस्टेक करके भी डिस्प्लेस मत लिख के आ जाना. डिस्प्लेस मतलब हम किधर, डिस्प्लेस मतलब इसको इधर ला रहे हैं बट हम लोग हाइड्रोजन को किधर और भेज रहे हैं, यहाँ पे भेज नहीं रहे, इसको फेंक रहे हैं सीधा, है ना. तो रिप्लेस ऑलवेज अंडरलाइन कर लो, रिप्लेस को, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस इट, हम रिप्लेस करते हैं. यू कैन इवन राइट हाइड्रोकार्बन आर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है. अब बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं बट आपको कॉम्प्लिकेशन CBSE ने नहीं करवाना था, सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस वन रिएक्शन, है ना. बस इनका ही मीथेन और क्लोरीन का याद करने और कुछ नहीं, ओके. ऑल राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन मतलब, आई फर्स्ट गिव यू द डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखते हैं फिर अच्छा रहेगा. सो एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन वेयर एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, दैट इज योर एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. हाइड्रोकार्बन कंबाइन्स विद हाइड्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन, इनमें से किसी के साथ विद, अलोंग विद, इन द प्रेजेंस ऑफ PD/NI, what is it, I'll tell you, as a catalyst. Sab I'll explain you, don't worry. And heat, अरे बाप रे किधर गया, and heat to form a single product. ये definition है, as it is याद करना है ना. अब देखो 1+1 क्या होता है, 1+1 इज इक्वल्स टू 2. दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, बीच में एडिशन होता है तभी वो बन के एक सिंगल डिजिट बनता है, करेक्ट. सेम चीज हो रही है यहाँ भी, हम क्या कर रहे हैं, हमको एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जो कि सैचुरेटेड हो. मतलब कि कार्बन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के एल्केन एल्कीन एल्काइन को तोड़ के उनको एल्केन बनाना है, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन इन सब के साथ रिएक्ट करते हैं अलोंग विथ PD एंड NI. PD क्या होता है, PD इज योर पैलेडियम, पैलेडियम, और NI इज योर निकल. तो अगर जब भी हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं विद हाइड्रोजन क्लोरीन या ब्रोमीन, तो हमको साथ में एज अ एजेंट, एज अ कैटलिस्ट, हमको पैलेडियम या तो फिर निकल, दोनों में से एक चाहिए रहेगा. कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं. फटाफट रिएक्शन हो रहा है पर इसको और स्पीड अप बूस्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं, करेक्ट. डेली लाइफ एग्जाम्पल क्या आते हैं कैटलिस्ट का, चलो लेट अस से कि आप बहुत ही वेग एग्जाम्पल है बट ओके स्टिल आई विल से यू. अब देखो जैसे आप भाग रहे हो,
भाग रहे हो, ठीक है, भाग तो रही हो, है ना, थोड़े थक रहे हो पर भाग रहे हो, रुके नहीं हो। बट अगर आप एनर्जी ड्रिंक पी लो, रेडबुल पी लो, ग्लूकोज पी लो, है ना, तो क्या होता है, यू विल गेट मोर एनर्जी, आप और भाग पाओगे फटाफट से, है ना। सो दैट ग्लूकोज रेडबुल एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट, मतलब वो आपके रिएक्शन को बूस्टअप करता है, ठीक है। विद अ रिएक्शन आई विल टेल यू नाउ, रिएक्शंस होगा तो ही समझ आएगा, नहीं तो ऐसे तो समझने से रहा। नाउ व्हाट डू वी डू, वी विल टेक अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, एक कंपाउंड है ये। अभी हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल अलोंग विद हीट, हीट के प्रेजेंस में यह बन जाता है CH3, CH3। तो कैन यू सी द बॉन्ड इज ब्रोकन, डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड बन रहा है, CH3 CH3 बन रहा है बस, और ये अनसैचुरेटेड है, एल्कीन है ये, एल्काइन एल्केन है ना। तो निकल या पैलेडियम आप दोनों ले सकते हो, कोई भी एक, दोनों नहीं कोई भी एक लेना पड़ेगा, या तो निकल लो या तो पैलेडियम लो, और हीट के प्रेजेंस में। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, चार एच 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 1 2 3 4 5, हाँ ये आपका स्ट्रक्चर है। प्लस हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, अब क्या बनेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गया सबका, है ना, कार्बन का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे आता है एच एच, करेक्ट, एच 2 H, और हम इसको लिखते हैं एज आर 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 आर। अब आर क्यों लिखते हैं, ये CBSE ने थोड़ी अधूरी कहानी छोड़ दी है, बिकॉज 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 आर एक कॉम्प्लेक्स चेन का पार्ट होता है, ये बस इतना इजी नहीं है लिखना। एडिशन रिएक्शन में जब ये अनसैचुरेटेड, आप खुद सोचो, यू आर मेकिंग अ एल्कीन, एक दूसरी फैमिली के इंसान को जो बिल्कुल नहीं जानता आपका, आप उसको अपनी फैमिली में लेके आ रहे हो, तो उसमें बहुत सारा चेंजेस हो जाते हैं। सो इसलिए हम उसको इन जनरल ऐसे छोटे से रिएक्शन में देखते हैं। आर बस आर जो है वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस रिएक्शन पूछेंगे, ये चिपका के आ जाना, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। अब दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब वेन इन एडिशन रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसको हाइड्रोजनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ना, ये जो स्ट्रक्चर था आपका, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वेजिटेबल ऑयल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, वेजिटेबल ऑयल होता है ये, ठीक है, दिस इज वेजिटेबल ऑयल। अभी हम इसमें हाइड्रोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, ये बन जाता है CH CH R R R एंड R, ठीक है। और ये जो होता है, ये होता है आपका वेजिटेबल घी, है ना, आप जो घर पे घी खाते हो ना, वेजिटेबल वाला अगर है तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है। सो घी इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन से हम इस वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन डालते हैं उसमें, और वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होता है, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, ठीक है, दैट इज योर हाइड्रोजनेशन। सिमिलरली क्लोरीनेशन होता है जिसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन ऐड करते हैं, आपके सिलेबस में अभी नहीं है वो, सो नो नीड टू नो इट, बस इतना याद रख लो। एंड एक चीज होती है BR वाटर, ब्रोमीन का जो पानी होता है ना वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर हम उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालते हैं ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सो क्या हो जाता है, वो डी कलराइज हो जाता है, पानी का कलर चला जाता है। सो दिस इज अ टेस्ट, ये याद रख लो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि हम कैसे चेक करेंगे। अब आप कैसे चेक करोगे कि अगर आपके पास इथीन है, इथीन इथीन है कि इथाइन है कि इथेन है, कैसे पता करोगे? सो पता करने के लिए यू हैव दी टेस्ट। तो इसमें आप ब्रोमीन को पानी में मिलाओगे, रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। अब उस इथीन को, अनसैचुरेटेड को, उसमें डाल दो, अगर इथीन या इथाइन हुआ तो पानी का कलर चला जाएगा, बट अगर एल्केन हुआ, इथेन हुआ, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। सो दैट इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड
hydrocarbons. And that's it for today. So with this we end that today's session. Agle session mein hum padhne wale hai about ethanol and ethanoic acid. Second last session hai, uske baad hum soaps detergents par ke chapter khatam karenge. So make sure to hit the like button, share with your friends. I hope maza aaya hoga padhne mein. New topics the aaj ke. In case any doubt persist, feel free to write it in the comment section below. I'll surely answer your doubt. So I'm gonna see you guys in the next video. Till then, take care and goodbye.